एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले सिलेबस है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, पर्पस, टाइप्स, मेथड, टाइप ऑफ एरिया, FAR, यूनिट एंड मेजरमेंट, एनालिसिस ऑफ रेट एंड आइटम, हाउ टर्न वर्क, ठीक है, ये अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, ये सारा वैल्यूएशन, फिर टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले चैप्टर शुरू करते हैं। ये तो पता ही, प्लॉट एरिया, द एरिया विच इज सराउंडेड बाय बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड एज प्लॉट एरिया। बिल्टअप कवर्ड एरिया, बिल्टअप कवर्ड एरिया मतलब प्लिंथ एरिया जो होता है, जैसे हमने यहाँ पर फाउंडेशन डाली, फाउंडेशन के ऊपर प्लिंथ डालते हैं, DPC प्लिंथ, तो उसके ऊपर जो एरिया होता है उसी को हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं। इसमें इंक्लूड क्या क्या करते हैं, वॉल, पोर्च, इंटरनल शाफ्ट जो 2 मीटर स्क्वायर से कम हो, डक्ट हो, स्टेयर केस हो, मशीन और रूम। एक्सक्लूड कैंटिलीवर पोर्च, एक्सटर्नल स्टेयर केस, शाफ्ट एरिया जो 2 मीटर से बड़ी हो। कैंटिलीवर पोर्च वो होता है जो बाहर का छज्जा निकला हुआ होता है, और एक्सटर्नल स्टेयर केस वो गाड़ी चलाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। कारपेट एरिया, जहाँ पर हम जिस को हम यूज़ कर सकते हैं, कारपेट एरिया मतलब दीवालों को हटाकर जो एरिया बचता है, जहाँ पर हम कारपेट बिछा सकते हैं एक तरह से, वही कारपेट एरिया होता है। इंक्लूड रूम, लिविंग बेड, स्टडी, डाइनिंग, ड्रेसिंग, किचन भी आता है, और इंटरनल पार्टीशन जो मतलब कि दीवार है हमारे, एक दीवार से दूसरे दीवार, एक कमरे से दूसरे कमरे की जो दीवार है वो भी इसमें आता है। एक्सक्लूड एक्सटर्नल वॉल, सर्विस शाफ्ट, स्टेयर केस, क्लब हाउस वगैरह, ऐसे बिल्ट अप सर्कुलेशन एरिया वही जहाँ पर हम स्टेयर केस, लिफ्ट वगैरह बना सकते हैं, चलने फिरने का होता है। फ्लोर एरिया रेशो, ये अच्छा है, इट इज़ द रेशो ऑफ द बिल्डिंग टोटल कवर्ड एरिया टू द एरिया ऑफ द प्लॉट। जैसे कि मान लो कहीं किसी जगह का अलग अलग होता है, 0.5 FAR दे रखा है, तो कवर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, एरिया हमारा 1000 है, तो उसका जो कवर एरिया आएगा वो 500 फिट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पूरा 1000 था, 1000 में हम 500 बना लेंगे, 500 खाली रख लेंगे, या फिर ऐसा बना लेंगे 250 के बना लेंगे, मतलब यूज़ हम 500 ही करेंगे। मान लो कि FAR 2 दे रखा है किसी जगह का, तो 1000 उसका प्लॉट एरिया है, तो उसको कैसे बनाएंगे, हमें कितना बनाएंगे, मतलब CA कवर्ड एरिया कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो या तो डबल स्टोरी बना लेंगे, या 500-500 की 4 स्टोरी बना लेंगे इस तरह से। तो मतलब हम कुल मिला के कवर्ड एरिया 2000 बनाना है हमें, चाहे कैसे बना लो। एम्प्टी स्पेस ये होता है सेटबैक, बीच में बना के बिल्डिंग साइड में जो स्पेस छोड़ देते हैं गाड़ी पार्किंग करने के लिए या फिर आने जाने के लिए, उसको ही सेटबैक एरिया बोलते हैं। एस्टिमेशन, प्रोबेबल कॉस्ट निकालते हैं, एस्टिमेशन का मेन मकसद यही है। पर्पस, मटेरियल और लेबर कितनी लगेगी, कितनी क्वांटिटी लगेगी, या फिर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क निकालने के लिए, आइडिया ऑफ टाइम निकालने के लिए, रिक्वायर टू इनवाइट टेंडर को इनवाइट करने के लिए, और अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी इसी में आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी एस्टिमेशन करते हैं। पर्पस हो गया, प्रोसीजर, डिटेल एस्टिमेशन बनाते हैं पहले तो, कैलकुलेटिंग रेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वर्क, प्रिपेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट लाइक बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ, इसकी BOQ की जो टेबल होती है, आइटम क्वांटिटी रेट और टोटल, डाटा क्या क्या रिक्वायर होता है, ड्राइंग चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, रेट चाहिए। कंप्लीट एस्टिमेशन, कॉस्ट ऑफ लैंड आता है, कंप्लीट एस्टिमेशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड जो हमने बीच का जो ब्रोकर होता है उसको दिए पैसे, कॉस्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट में लगे पैसे, बनामा वगैरह सर्वे में लगे पैसे, ये कॉस्ट ऑफ लैंड में आ जाएगा। कंटिजेंसी,
अनफोर्सिन चार्जेस, एक्सीडेंट हो जाए मशीन का या मेटेरियल वेस्ट हो जाए, 3 से 5%। और फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और कंसल्टेंटिंग चार्ज। लीगल एक्सपेंसेस, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट जो बनाने पड़ते हैं, NOC या परमिशन लेनी पड़ती है। लमसम रेट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी एग्रीमेंट ही आ जाता है क्वेश्चन, 8%। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन 8%, कंटीजेंसी 3 से 5%। वर्क चार्ज, स्टाफ वगैरह को, चौकीदार वगैरह को रखने के लिए 1.5 से 2%। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट 10%, लार्ज स्केल होगा तो 8, स्मॉल होगा तो 15। टूल एंड प्लांट्स 1 से 1.5%। अब आता है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, ये मतलब टाइप ऑफ एस्टिमेट कितने होते हैं। एक तो अप्रोक्सीमेट और दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट। अप्रोक्स को ही रफ एस्टिमेट भी बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट में क्या करते हैं, इट इज़ द एस्टिमेट टू फाइंड आउट एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, मतलब कोई अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालते लेते हैं शॉर्ट टाइम, मतलब कम समय में कोई मतलब मोटा मोटा पता चल जाए कितना खर्चा आने वाला है, यही है इसका मतलब। और जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, मतलब डिपार्टमेंट है कोई तो उसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा और एक होगा टेक्निकल स्टाफ। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वही बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव वाले। पहला प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल कंटेंट और यूनिट बेस्ड। प्लिंथ एरिया वो होता है जैसे कि कहीं पे हमारा पुराना बिल्डिंग बनी, मान लो 2000, हमें निकालना एरिया 1000 फिट का है, तो उसी के सिमिलर कोई बिल्डिंग देखेंगे या फिर उसी एरिया में कोई काम चल रहा हो इसी के सिमिलर, तो उससे निकलता है। जैसे कि 1000 का निकालना है, 2000 का हमने पहले बनाया था, उसकी कॉस्ट 1 करोड़ थी, तो 1 फिट स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ अपन उसके एरिया से डिवाइड कर दी तो 5000 पर फिट स्क्वायर आ जाएगा। तो 5000 तो 1 फिट का के तो 1000 का आ जाएगा 50 लाख, ऐसे बोलते हैं। क्यूबिक कंटेंट मेथड, क्यूबिक कंटेंट मेथड में क्यूबिक कंटेंट लेंथ, ब्रेथ और हाइट लेते हैं। क्यूबिक रेट सिमिलर होगा, क्यूबिक रेट प्लिंथ एरिया रेट जैसे हमने कोई पुराना बनाया था 2000 फिट स्क्वायर का, 1 करोड़ में बना, उसकी हाइट थी 50 फिट सॉरी, तो हमें 20 फिट और 1000 फिट स्क्वायर का एरिया क्यूबिक कंटेंट मेथड से कॉस्ट निकालनी है। तो इसकी हम निकाल लेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2000 × 50, उसकी हाइट थी 2000 एरिया और 50 हाइट से वॉल्यूम निकल गया 10000 फिट स्क्वायर, फिट क्यूब। क्यूबिक रेट 1 करोड़ अपन उसके वॉल्यूम से डिवाइड मार के पर फिट क्यूब में आ जाएगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका हमें निकालना 1000 × 20, इसका एरिया मतलब एरिया और ये हाइट, तो ये आ गया हमारा पूरा वॉल्यूम। तो कॉस्ट ऑफ क्यूबिक कंटेंट की आ जाएगा 20000 × 100, ये वाला जो हमने सिमिलर एरिया का निकाला था पर एक फिट क्यूब का, ठीक है। अब यूनिट बेस जो होता है वो हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्टल वगैरह के लिए, सिंगल यूनिट के लिए निकालते हैं। मान लो 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, उसकी कॉस्ट आई 1 करोड़ रुपये, तो हमें पर बेड की कॉस्ट निकालनी है। तो पर बेड की 1 करोड़ अपन कितने बेड के लिए निकाला, 1000 के लिए, तो आ जाएगा ये। और हमें उसी सिमिलर कहीं बनाना है 500 बेड का हॉस्पिटल, मतलब इसमें क्या होता है कहीं बनाया हुआ होता है उसी का, उसी डाटे का यूज़ करके कितनी कॉस्ट आएगी उसका इस्तेमाल करते हैं। 500 बेड का आ जाएगा सीधा। अब ऐसे ही उसके बाद उसके बाद बस वही क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन लगा लो। अब आता है मेन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अर्थवर्क। जितने भी खुदाई कार्य हैं वो हमारे मीटर क्यूब में आते हैं। एक्सकवेशन करना, खुदाई,
एक्सकेवेशन फिलिंग इन फाउंडेशन, कोई फाउंडेशन बनाई, ठीक है, जैसे कि ये है फाउंडेशन बनाई ढकने के लिए, जो मटेरियल कह रहे हैं वो मीटर क्यूब में होगा। अर्थवर्क इन फिलिंग इन प्लिंथ, वो भी मीटर क्यूब में। सरफेस ड्रेसिंग लेबलिंग एंड क्लीनिंग, मतलब जो क्या करते हैं मशीन से, हम जेसीबी से हमने काम करा तो खोदते खोदते मतलब कुछ सोइल जो होती है वो लूज़ हो जाती है उसके आगे वाले जो होता है वो उठाने का, तो वो मीटर स्क्वायर में ड्रेसिंग हो रही है ना, सरफेस ड्रेसिंग। अब आते हैं पाँच, ब्रेक आउट स्टोन ब्लास्टिंग, ये मीटर क्यूब में। दूसरा कंक्रीट वर्क, ब्रिक एंड स्टोन ब्लास्टिंग का मतलब ये है कि ब्रिक और स्टोन ब्लास्टिंग हम उसमें गिर रहे हैं अर्थ एक्सकवेशन में, अर्थ उसमें अर्थवर्क में। कंक्रीट वर्क ये भी मीटर क्यूब में होता है पूरा, सिर्फ डायरेक्ट याद रखो। डीबीसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पूछा जाने वाला मीटर स्क्वायर में। डीबीसी की ये और याद रखो, 38 से 50 एमएम तक इसकी वो होती है, M15 का पीसीसी डालते हैं इसमें, 38 से 50 सेंटीमीटर तक, एमएम तक डीबीसी की थिकनेस होती है। ब्रिक वॉल, ब्रिक वर्क भी हमारा मीटर क्यूब में ही होता है ज़्यादातर, फाउंडेशन में, प्लिंथ में, सुपर स्ट्रक्चर में, आर्चेज में, ये सब उसमें होता है मीटर क्यूब में। बस ये याद रखना है तो हनीकॉम ब्रिक वर्क वो मीटर स्क्वायर में होता है। उसके बाद थिन पार्टीशन वॉल, वो भी मीटर स्क्वायर में। ब्रिक एजिंग मतलब जो घासों पर ईंटें बिछा देती हैं खड़ंजा, एक ईंट का, तो वो होता है रनिंग मीटर में। स्टोन वर्क मीटर क्यूब मैसनरी वाला, स्टोन मतलब मैसनरी दीवार चीनी जा रही है स्टोन से, तो वो मीटर क्यूब में। और स्टोन वर्क इन वॉल फेसिंग मतलब स्टोन वर्क किसी दीवार में लगा रहे हैं, ये तो चिनाई है, स्टोन मैसनरी चिनाई हो जाएगी। स्टोन वर्क इन वॉल फेसिंग, किसी दीवार में लगा रहे हैं स्टोन, तो वो मीटर स्क्वायर में। थिकनेस नहीं लेते फिर। वुड वर्क इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन फंसने लायक है। डोर और विंडो फ्रेम जो बनाते हैं हम चौखट, वो मीटर क्यूब में। शटर, शटर क्या होता है पल्ला, वो सिर्फ थिकनेस को इतना कंसीडर नहीं करते, लेंथ और ब्रेथ को, चौड़ाई लंबाई को मीटर स्क्वायर में। डोर और विंडो फिटिंग्स, हिंज, स्लाइडिंग बोल्ट और हैंडल्स, ये नंबर में, ठीक है। वुड वर्क इन पार्टीशन मीटर स्क्वायर में, जो घर में बना देते हैं वुड वर्क से पार्टीशन कर देते हैं मीटर स्क्वायर में। स्टील वर्क, रेनफोर्समेंट बार क्विंटल में, रिवेट बोल्ट, नट, एंकर बोल्ट, ये सब क्विंटल में। फिर स्लाइडिंग बोल्ट, फिर आयरन ग्रिल्स, वो मीटर स्क्वायर, केजी और क्विंटल ही अलग अलग टाइप की होती हैं, इसलिए। आयरन वर्क इन ट्रस, ट्रस में जो यूज़ होती है वो भी क्विंटल में। थ्रेडिंग ऑफ आयरन, वो बोल्ट जो नट और बोल्ट में जो थ्रेडिंग रहती है, खांचे से खींचे रहते हैं सेंटीमीटर में। रोलिंग शटर मीटर स्क्वायर में, शटर जो बंद रहते हैं। लीन कंक्रीट रूफ मीटर स्क्वायर में। सेंटरिंग एंड शटरिंग मीटर स्क्वायर में। ACGI शीट रूफिंग मीटर स्क्वायर में। लास्टिंग पॉइंटिंग मीटर स्क्वायर में, ठीक है। फ्लोरिंग 25 सेंटीमीटर, 25 एमएम या 40 एमएम का सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग कर रहे हैं मीटर स्क्वायर में। टाइल और स्टोन फ्लोरिंग मीटर स्क्वायर में। स्कर्टिंग साइड के में डेढ़ जो लगा देते हैं, स्कर्टिंग बोलते हैं उसको, रनिंग मीटर में। डोर और विंडो सिल मीटर स्क्वायर में। रेन पाइप नंबर में, वो रनिंग मीटर में, मीटर में कितना लंबा पाइप है। ग्लास पैनल मीटर स्क्वायर में। फर्नीचर नंबर में। डिसमेंटिंग ऑफ ब्रिक मेसनरी, ब्रिक मेसनरी में जो टूट फूट हो जाए वो भरते हैं जब मसाला, तो मीटर क्यूब में। गन राउटिंग ऑफ क्रैक्स, क्रैक्स में कितनी लंबा क्रैक है ये देखते हैं मीटर में।
सैंड सप्लाई मीटर क्यूब में करते हैं, ब्रिक सप्लाई नंबर में करते हैं, सीमेंट बैग में करते हैं, ब्रिक बैलेंस्ड सप्लाई मीटर क्यूब में, ब्रिक और सैंड मीटर क्यूब में करते हैं, ध्यान रखें। ओ सॉरी, सैंड और ब्रिक्स, ब्रिक बैलास्ट है ना, ये ब्रिक बैलास्ट जो टूटा हुआ ब्रिक होता है वो मीटर क्यूब, ब्रिक तो नंबर में होती है, सीमेंट बैग सब बैग्स में होते हैं, सीमेंट बैग, सीमेंट क्विंटल और स्टील क्विंटल में, सप्लाई ऑफ सैनिटरी आइटम नंबर में। डिटेल एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है, यह प्रत्येक आइटम का कितनी क्वांटिटी और कितने रुपए में बन रहा है वो डिटेल एस्टिमेट होता है, और ये जो होता है वो टेक्निकल सेंक्शन करता है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पढ़ा था हमने, वो तो था एडमिनिस्ट्रेटिव करता है सेंक्शन, और ये टेक्निकल स्टाफ। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। मेजरमेंट के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट होगी और क्वांटिटी निकालेंगे, एब्स्ट्रैक्ट के लिए मतलब बिल कॉस्ट यूनिट और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट वो होता है जैसे जी प्लस टू की हमें बिल्डिंग बनानी थी पहले 1 करोड़ की, तो हमें पता चलता है कि हमें जी प्लस टू की मतलब ग्राउंड फ्लोर और 2 फ्लोर ऊपर मतलब 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी थी, तो उसमें 1 करोड़ आ रहा था, तो एडिशनल हमें पता चला कि उसमें 4 की ज़रूरत है, 4 फ्लोर की, 4 फ्लोर और 1 ग्राउंड फ्लोर, 5 की ज़रूरत है, तो जो 2 एक्स्ट्रा फ्लोर के लिए अलग से सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तैयार किया जाता है, इसी को कहते हैं रिवाइज एस्टिमेट। ये फॉलोइंग कंडीशन में काम करते हैं, जब ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड बाय मोर देन 5%, 1 करोड़ का काम, 1 करोड़ में हमारी जी प्लस टू की बिल्डिंग बन रही थी, हमारा कॉस्ट बनाते बनाते 1 करोड़ 50 लाख का हो गया, मतलब वही ना 5%, 1 करोड़ 50 लाख का बैठ गया, तो हम ओरिजिनल सैंक्शन और मतलब ओरिजिनल कॉस्ट से 5% बढ़ जाए तब रिवाइज एस्टिमेट का इस्तेमाल करते हैं, वो दोबारा से बनाते हैं मतलब रिवाइज करते हैं, उसको रिवाइज बोलते हैं। अगर हमारा दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन ए वर्क एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बाय मोर देन 10%, कोई पर्टिकुलर आइटम जैसे कि कोई ब्रिक मशीनरी का काम चल रहा है, उसकी कॉस्ट उसमें आ रही थी 10 लाख, 10 लाख आ रही थी, तो 10 लाख से ज़्यादा 10,50,000 आ गई इंडिविजुअल, नहीं 10,50,000 तो वैसा आ रही है, 10% उससे भी ज़्यादा आ रही है, मतलब 10 लाख ब्रिक मशीनरी में लग रहा था, अब ब्रिक मशीनरी में 10 लाख से ऊपर आ रहा है, 10% इंक्रीज हो गया लगभग, तो हमारा जो होगा 1 लाख के समथिंग और खर्चा आ गया, तो हमारा तब भी रिवाइज एस्टिमेट होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन बोलते हैं। अब आता है एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट, दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग का मेंटेन रखने के लिए जो एस्टिमेट तैयार किया जाता है, इट इंक्लूड वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, पेंटिंग एंड माइनर रिपेयर वर्क। थैंक यू।